हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज हाफ द न्यू फ्रिंज विथ विल बी डैश टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू तो यहां पर सवाल में बोल रहा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट का सेपरेशन उसको हाफ कर दिए तो जो न्यू फ्रिंज विथ होगा वो ओरिजिनल वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू का जो है कितना टाइम्स होगा तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा की कॉन्सेप्ट वो है कि बीटा यानी कि जो फ्रिंज विथ है वो इक्वल टू होता लामडा डी बाई डी जहां लामडा वेवलेंथ ऑफ तो लाइट यूज्ड है डी uh, जो है वो uh, जो है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है और स्मॉल डी जो है uh, जो सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स है तो यहाँ से हम देख सकते हैं फॉर्मूला से कि बीटा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है तो यानी कि अगर uh, जो स्लिट का जो विथ है uh, uh, जो स्लिट का जो सेपरेशन है उसको हाफ कर देंगे तो uh, जो फ्रिंज विथ्थ जो है वो डबल हो जाएगा यानी कि जो है ना फ्रिंज विथ को अब जो है बीटा डैश अगर हम मान लें बीटा डैश बीटा डैश है ना तो ये ये जो फ्रिंज विथ है उसका डबल हो जाएगा टू टाइम्स लैमडा डी बाई यहाँ डी तो अगर ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन ये टू है ये इक्वेशन मान लेते हैं वन है तो बीटा डैश डिवाइडेड बाय बीटा टू अगर करेंगे तो यह यहां देखिए ये यह लैमडा डी बाई डी लैमडा डी बाई डी जो है दोनों में कॉमन है तो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो लैमडा डी बाई डी जो है वो इससे कट जाएगा लैमडा डी बाई डी से तो यानी इसका आंसर कितना होगा टू यानी कि बीटा डैश इज इक्वल टू टू टाइम्स बीटा होगा जो ना तो जो ना तो नया फ्रिंज विड्थ जो है वो ओरिजिनल फ्रिंज विट का यानी इनिशियल वैल्यू का टू टाइम्स होगा सो द फाइनल आंसर इज फाइनल आंसर इज टू टाइम्स होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक